प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के अवसर पर हर कोई प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर उन्हें बधाई दी। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं ने भी ट्विटर पर पीएम को बधाई दी। यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। केवड़िया के पास सरदार सरोवर बांध पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। पीएम जब कैक्टस गार्डन पहुंचे तो एक अलग नजारा देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री को एक बास्केट भी दी गई, जिसमें कई तितलियां थी। पीएम ने बास्केट खोली और हजारों तितलियों को आजाद कर दिया। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जब सरदार सरोवर बांध पहुंचे तो उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, जहां से नर्मदा नदी का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर से बनाए गए इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का एरियल व्यू देखने को मिला। केंद्र की मोदी सरकार अब मनरेगा मजदूरों को तोहफा देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा मजदूरों को प्रशिक्षण देने का एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को स्किल्ड कारीगर बनाने के लिए 45 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डीआरडीए को एक यूएवी कर्नाटक में हादसे का शिकार हो गया। चित्रदुर्ग जिले के जोड़ी चिकन हली में सुबह 6 बजे यूएवी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये डीआरडीओ का रुस्तम 2 यूएवी है, जिसका आज ट्रायल किया जा रहा था। मौके पर डीआरडीओ के आला अधिकारी पहुंचे। कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा ने कन्नड़ भाषा पर जोर देते हुए कहा कि वो कन्नड़ संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। येदुरप्पा ने एक ट्वीट में लिखा कि हमारे देश में सभी आधिकारिक भाषाएं समान हैं। हालांकि जहां तक कर्नाटक की बात है तो कन्नड़ प्रमुख भाषा है। हम कभी भी इसके महत्व से समझौता नहीं करेंगे और कन्नड़ भाषा हमारे राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद राव की आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कोडेला शिव प्रसाद राव की आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों से जगन सरकार कोडेला और उनके परिवार को परेशान कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक को कभी भी मलेशिया से वापस भेजने का अनुरोध नहीं किया। ये दावा मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने किया है। उन्होंने कहा कि कई देश जाकिर नाइक को अपने यहाँ पनाह देना नहीं चाहते हैं। मैं पीएम मोदी से मिला था, लेकिन उन्होंने जाकिर नाइक को वापस भेजने के लिए कुछ नहीं कहा। खबरें हैं कि भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूस्टन में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है, लेकिन ये खबर गलत साबित हुई है। तुलसी गबार्ड सितंबर को आयोवा में एक कार्यक्रम है, इसलिए वो बाद में मोदी से न्यूयॉर्क में मिलेंगी। सऊदी अरब में अरामको की कच्चा तेल उत्पादन संयंत्रों पर हमले के बाद तेल की आपूर्ति में दिक्कत आने से अगले एक पखवाड़े में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव अभी करीब 72 रुपए प्रति लीटर है।